नमस्कार, मेरा नाम है अविनाश और आप लोग देख रहे हैं, शो कर चुके हैं स्पोर्ट्स शॉक। एमएस धोनी द ग्रेटेस्ट फिनिशर, द ग्रेटेस्ट विकेट कीपर और महान कप्तानों में से एक, चार बार अपनी टीम को आईपीएल चैंपियन बना चुके हैं, यानी कि चेन्नई सुपर किंग्स को, और इन दिनों आईपीएल ही खेल रहे हैं तो रिकॉर्ड बनाना भी लाजमी है। एमएस धोनी ने एक शानदार रिकॉर्ड बनाया है। दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ एमएस धोनी ने 8 गेंदों में नाबाद 21 रनों की पारी खेली, 21 रनों की पारी खेली और इस दौरान एक चौका और दो छक्का लगाया। आपको बता दें, एमएस धोनी विश्व क्रिकेट में, टी20 क्रिकेट में 6000 रन पूरे करने वाले दूसरे कप्तान बन गए हैं। उनसे ज़्यादा 6451 रन जो है विराट कोहली ने बनाए हैं बतौर कप्तान टी20 फॉर्मेट में, लेकिन अब एमएस धोनी जो है 6000 ही बन चुके हैं, बतौर कप्तान उन्होंने 6000 रन बना लिए हैं। तीसरे नंबर पर रोहित शर्मा है, उनका भी 4700 के आसपास कुछ रन है। फिर एरन फिंच का नंबर है, गौतम गंभीर भी जो है 4000 में ही लटक गए, लेकिन हाँ यह है कि एम एस धोनी जो है 6000 रन अपने पूरे कर लिए हैं और ये बहुत बड़ी बात है। अगले कुछ महीनों में वो 41 साल के हो जाएंगे, बावजूद इसके इस समय क्रिकेट में अपना जलवा दिखा रहे हैं, तो ये धोनी की लेगेसी है। आप समझ सकते हैं कि धोनी कितने महान बल्लेबाज रहे हैं, भले ही उन्हें टी20 फॉर्मेट में अक्सर हम लोगों ने देखा है कि एम एस धोनी ज़्यादा ऊपर बल्लेबाजी नहीं किए हैं, नीचे ही आते हैं, 5 नंबर 6 नंबर पर बल्लेबाजी करते हैं। बावजूद इसके अगर उनके टी20 फॉर्मेट में 6000 रन हैं तो आप समझ सकते हैं कि उन्होंने कितने शानदार रिकॉर्ड्स बनाए हैं और कितने रन्स अपनी टीम के लिए जरूरी वक्त पर बनाए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।